हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? जो 3 तारीख को कानपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रू विलेज में हुआ, जो घटना हुई, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दोस्तों, ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना से सबक सीखना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो विकास दुबे नाम का शख्स है, ये शख्स आपराधिक दुनिया में 1990 में जब कदम रखा, हरि कृष्णा श्रीवास्तव के साथ में उसका कांटेक्ट हुआ और उसी समय से वो आपराधिक दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, आज 1990 से आज 2020 है, यानी 30 साल से वो आपराधिक दुनिया में है। और क्या इसको किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? ये बढ़ते कैसे चला गया? इसके पीछे कौन हो सकता है? तो ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं कि इसका कितना बड़ा मतलब नेक्सस होगा, कितना बड़ा कनेक्शन होगा कि आज 1990 से लेके 2020 तक आपराधिक दुनिया में अपना कदम दिन पर दिन बढ़ाता गया और यह सिचुएशन आज यहां तक आ पहुंची। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये विकास दुबे कब से एक्टिव हुआ। विकास दुबे इज एक्टिव सिंस 1990, हरि कृष्णा श्रीवास्तव एंड कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ सीरियस इन नेचर लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड सो ऑन। दोस्तों, इसने मर्डर हो गए, किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ऐसे बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस किए हुए हैं, फिर भी ये खुला घूम रहा था उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इसका मेन काम एक्सटॉर्शन, जमीनों पे कब्जा करना और लोगों को फोन करके धमकी देना। दोस्तों, उसके बाद विकास दुबे कमिटेड मर्डर ऑफ बिजनेसमैन नेमली दिनेश पांडे, बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला, रैंक ऑफ स्टेट मिनिस्टर इनसाइड द शिवली पुलिस स्टेशन इन 2001। दोस्तों, ये विकास दुबे ने शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर संतोष शुक्ला का मर्डर कर देता है और उसके बावजूद कोई गवाह नहीं रहते। तो ये सारी चीज समझ में नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि अगर जब मिनिस्टर पुलिस स्टेशन के अंदर मार दिया जाता है, उस केस में कुछ नहीं होता, तो छोटे मोटे लोगों का क्या होगा? उनका तो नामो निशान मिट जाएगा, वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह से ये आपराधिक दुनिया में अपना कदम फैलाते चला गया। दोस्तों, विकास दुबे वॉज ऑल्सो नेम्ड इन द मर्डर ऑफ सिद्धेश्वर पांडे, द प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ताराचंद इंटर कॉलेज इन 2000 में ये विकास दुबे का नाम सिद्धेश्वर पांडे में नाम लिया गया था और एक जो ताराचंद कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के मर्डर के केस में इसका नाम आया था। दोस्तों, उसके बाद विकास दुबे ज्वाइंट बीएसपी, ही वाज इनसाइड द जेल एंड वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नगर पंचायत एंड ही बिकम मोर एक्टिव इन 2002। दोस्तों, 2002 में जेल में बंद रहते हुए इस व्यक्ति ने नगर पंचायत का इलेक्शन जीता और वो मेंबर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा सोर्स है मार्केट में। दोस्तों, इसके बाद राहुल तिवारी नाम के शख्स को विकास दुबे ने मर्डर करने का अटेम्प्ट किया। इसके चलते राहुल तिवारी ने एक एफआईआर
लॉज की अटेम्प्ट टू मर्डर, तो राहुल तिवारी लॉज एंड एफआईआर ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर अगेंस्ट विकास दुबे अ नोन क्रिमिनल विक्रू विलेज कानपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर की जो एफआईआर लॉज हुई विकास दुबे के खिलाफ राहुल तिवारी द्वारा, इस ऑफेंस में जो पुलिस है वो विकास दुबे के वहां पे रेड डालने के लिए जा रही थी। द पुलिस पर्सनल हैड प्रिपेयर्ड टीम फॉर नैबिंग विकास दुबे बिकॉज विकास दुबे इज वन ऑफ द नोन क्रिमिनल ऑफ बिक्रू विलेज कानपुर डिस्ट्रिक्ट। देर आर 60 केसेस अगेंस्ट विकास दुबे लाइक मर्डर, हाफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रॉबरी, दो ही इज फ्रीली रोमिंग इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों, विकास दुबे जो है किडनैपर, खूंखार अपराधी है। ये खूंखार अपराधी होने के बावजूद भी ये फ्री कैसे घूम रहा था, ये आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, द पुलिस टीम कंप्राइजिंग 15-16 पर्सनल हैड गॉन टू नैब विकास दुबे ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर लॉज बाय कंप्लेनेंट राहुल तिवारी एज द पुलिस टीम वॉज अबाउट टू रीच एट द हाउस ऑफ विकास दुबे टू नैब हिम, बट बिफोर रीचिंग एट द गेट ऑफ द हाउस एट विकास दुबे ऑल द पुलिस केम अंडर अटैक ऑफ दुबेज मैन हु वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विथ डेडली फायर आर्म्स ऑन द रूफ टॉप एट हिज हाउस। इन दिस अटैक DYSP, 3 सब इंस्पेक्टर एंड 4 कॉन्स्टेबल हैव बीन किल्ड एंड अदर 4 पुलिसमैन रिसीव्ड बुलेट इंजुरी ड्यूरिंग अटैक, दे आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, ये जो पुलिस पर्सनल है टीम बना के उस विकास दुबे को पकड़ने के लिए जा रहे थे, वो पहुंचने ही वाले थे कि वहां पर इस व्यक्ति ने बुलडोजर लगा दिया था। वह जो बुलडोजर है, उस बुलडोजर को हटाने के वक्त ये विकास दुबे के जो आदमी थे वो आदमियों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी, अटैक कर दिया और उस दरमियान 8 पुलिसकर्मी जो हैं ऑन द स्पॉट मार दिए गए। उसमें से 4 जो पुलिस वाले थे वो घायल हुए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। दोस्तों, ये आप जान सकते हैं कि विकास दुबे इतने दिनों से क्राइम अपराधिक दुनिया में अगर एक्टिव था तो ये उत्तर प्रदेश में फ्री कैसे घूम रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, ड्यूरिंग अटैक 2 मेन ऑफ विकास दुबे हैज बीन एनकाउंटर्ड। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग फायरिंग 2 जो व्यक्ति हैं विकास दुबे के वो मारे गए, एनकाउंटर कर दिया गया उनका। एज पर News 1 थानेदार रैन अवे फ्रॉम देयर। आज न्यूज के मुताबिक ये जो थानेदार है उसे कस्टडी में ले लिया गया है। दोस्तों, ये जो विकास दुबे है, विकास दुबे, देयर वॉज 50,000 रिवॉर्ड ऑन विकास दुबे बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड 2.5 लाख। When he was in jail, he hired 1 killer to kill his cousin brother. Friends, जब ये जेल में था तो अपने भाई को भी मरवाने के लिए इसने किलर जो होते हैं उनको हायर किया था। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के खिलाफ 60-60 केसेस होते हैं और वो भी 60-60 जो केसेस हैं वो एकदम सीरियस नेचर के हैं,
और इतना खूंखार व्यक्ति जो आतंक फैला रखा था उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ी चीज यही है कि वो 30 साल तक उसे किसने पनपने दिया, वो कौन हो सकता है। अब जैसे कि थानेदार की बात आ गई यहां पे, अब ये थानेदार भाग गया वहां से, तो ये जो पुलिस वाले ही हैं, जो पुलिस वाले हैं ये एक दूसरे को खबर कर देते हैं। अब पुलिस वाले ही बता दिए, जैसे कि उसको इनसाइड पुलिस स्टेशन के में मारा गया उस मिनिस्टर को, और कोई भी गवाह नहीं है, क्या पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस वाले नहीं थे? तो इस तरह से अगर रहा, जब एक मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, छोटे आदमियों का क्या हाल होगा दोस्तों? तो ये जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उनके नाम हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा डीवाईएसपी, महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार पुलिस स्टेशन इंचार्ज मंधना शिवराजपुर, सब इंस्पेक्टर नंदलाल, कांस्टेबल चौबेपुर पुलिस स्टेशन बिठूर कांस्टेबल राहुल, बिठूर कांस्टेबल जितेंद्र, बिठूर कांस्टेबल बबलू। ये जो 8 पुलिस वाले हैं, ये घटना के दौरान, इस निंदनीय घटना के दौरान मार दिए गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।